शिव जी का ये दो पसंदीदा प्रसाद अर्पित करें। अगर आपने सावन में शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो महादेव आपकी मनोकामनाएं और सारी इच्छा पूरी कर देंगे, आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे और आपके घर में कभी धन पैसों की तंगी नहीं आने देंगे। वह कौन सा प्रसाद है यह जानने से पहले, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना। मैं भी जानना चाहती हूँ महादेव जी के भक्त कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। शिव जी का पसंदीदा प्रसाद भांग और धतूरा है बेटा, अगर आप इनको अर्पित करते हो तो महादेव जी आपसे प्रसन्न होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद जरूर देंगे। रोज सुबह स्त्री के इस अंग को छूने से बन सकते हैं करोड़पति। इससे पहले सभी माता लक्ष्मी के भक्ति वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप स्त्री के अंग कुछ होते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जग सकती है, या फिर घर में गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपनी पुत्री के मुख्य के दर्शन करने चाहिए, इसके पश्चात उसे अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए और तीसरी बात पुरुष सुबह उठने के पक्ष अपनी पत्नी के हथेलियां को अवश्य यह स्पर्श करें, क्योंकि स्त्री की हथेलियां में मां लक्ष्मी का वास होता है। बेटा ऐसा करते हो तो मैं कभी आपके घर में धन पैसों की कमी नहीं आने दूंगी, यह मेरा आशीर्वाद है। सोया हुआ भाग्य जगाने के 5 भाग्यशाली उपाय। नंबर 1, हर पूर्णिमा को सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। नंबर 2, अगर आपको पैसों की तंगी है तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी में दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपके धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। गुरुवार को तुलसी माता को दूध अर्पित करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, यदि आपको बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा होता हुआ नजर आ जाए तो उसे उखाड़ कर अपने घर में लगा दे। नंबर 4, उसे जानने से पहले आज मैं भी जानना चाहती हूँ मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं, वह इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। नंबर 4, गुलर की जड़ को कपड़े में बांध ले और इसे ताबीज में डालकर बाजू में बंद दीजिए, इससे भी भाग्य उदय होता है। पीपल पेड़ में पानी में दूध मिलाकर इसके जड़ में डालें, इससे नकारात्मकता दूर होगी और घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। घर में कौन सा कुत्ते का घोषणा शुभ होता है या अशुभ? मेरे भक्त, अगर आपको मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी लिखकर जाना। नंबर 1, कुत्ते के भौंकने को उनकी भाषा और वाणी माना जाता है। अगर किसी इंसान पर बेवजह कुत्ते भौंकना शुरू कर दे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, अगर किसी के घर में घुसकर कुत्ता साफ पानी में मुंह डाल दे तो यह शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वह घर का गंदा पानी पी रहा है तो इसका मतलब है उसे घर पर आर्थिक संकट आने वाला है। नंबर 3, यदि आप काला कुत्ता घर में काला कुत्ता घोष आता है तो यह संकेत देता है कि आपके ऊपर शनि शांत होने वाला है। काला कुत्ता भैरव बाबा वहन होता है। अगर कुत्ता घर में आता है तो कुत्ता को रोटी खिला, इससे शनि और राहु का प्रकोप कम होता है। महिलाओं को यह बाल धोने के 4 नियम अवश्य पता होने चाहिए। महिलाएं अमावस्या के दिन गलती से भी बालनाथ हुए, इस दिन बाल धोने से पितृ दोष लगता है जो घर की उन्नति और समृद्धि को रोकता है। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को बाल धोने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में कंगाली बनी रहती है। सूर्यास्त के बाद बाल धोने से आपके घर में गृह क्लेश व बीमारी बढ़ती है और धन का नाश होता है। पति के नौकरी व किसी शुभ कार्य पर बाहर जाने के तुरंत बाद कभी बोल न धोएं, इससे पति की तरक्की रुक जाती है। महिलाएं यह 4 गलतियां भूलकर भी ना करें, नहीं तो आपके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। नंबर 1, मासिक धर्म में धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके पति के सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 2, एकादशी या अन्य किसी व्रत के दिन किसी बुजुर्ग का अपमान करना, इससे पति पत्नी में झगड़े होते हैं। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन नाखून काटने की मनाही की गई है, इस दिन नाखून काटने से आपके पति के ऊपर कर्ज चढ़ता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। आखिरी और नंबर 4, इसको जानने से पहले सभी लोग वीडियो को फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 4, अमावस्या के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर करें।